हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर कृष्ण। आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग टू द बी एनेक्स्चर, जो आप सबको जैसे पता है कि पोस्ट JKSSB ने निकाली हैं। तो जो बी एनेक्स्चर का सिलेबस है, हम उसे कवर करने की आज कोशिश करेंगे, उसके कुछ इनिशियल टॉपिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग में, और आपको एक ओवरव्यू देंगे, मोटा मोटा समझाने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले आज मैं एक टॉपिक लूँगा जो कि एनाटॉमी का टॉपिक है। कई उसे एनाटॉमी बोलते हैं, कई एनाटॉमी बोलते हैं, तो दैट डजंट हार्डली मैटर्स, दोनों एक ही चीज़ें हैं, स्पेलिंग एक ही हैं, बस प्रनाउंस करने का तरीका अलग है। एनाटॉमी है क्या? ये साइंस है जो कि हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको बताती है, और दूसरा एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के साथ क्या रिलेशन है उसे समझाती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ द वन बॉडी पार्ट टू अनदर, दैट इज़ नोन एज एनाटॉमी। तो इसका सबसे पहला है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है, जैसे आप सभी को पता है बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो तब भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा बॉडी पार्ट्स का। जैसे बॉडी पार्ट में हमारा सबसे पहले ऊपर फेस आता है, जिसे हम चेहरा कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हेयर्स आ गए, फोरहेड आ गया, हेड आ गया, आईब्रोज आ गए, आई लैशेज आ गए, आईज आ गई, नोज़, लिप्स, चिन, चीक्स, ईयर्स, ये सभी इसका एक पार्ट है। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारी नेक आ जाती है, उसके थोड़ा और नीचे चलते हैं तो हमारी चेस्ट आ जाती है, फिर एब्डोमेन आता है जिसे हम पेट बोलते हैं, फिर पेल्विक रीजन आता है, उससे नीचे जाएंगे तो हमारी लेग्स आ जाती हैं, और फिर फुट आते हैं जिन्हें हम पाँव कहते हैं। उसके अलावा साइडों पे हमारी बाजुएं हैं जिसमें आर्मपिट्स भी आती हैं, और हम आप इसमें कह सकते हैं हमारे हैंड्स आते हैं, रिस्ट आती है, फिंगर्स आती हैं, ये सब बॉडी पार्ट्स हैं। आपका एब्डोमेन के नीचे वेस्ट है, बैक साइड पर बटक्स हैं, इस तरीके से ये सारा हमारे बॉडी पार्ट्स में आता है। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे जब हम और चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उनके साथ कोरिलेट कर करके मैं आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या हैं। टर्म्स आ गई कि कितने तरीके की उसमें चीज़ें हैं, कि हम अपनी बॉडी को कैसे डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को देखते हैं। तो सबसे पहले कल इसमें आती है एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसको हम डायरेक्शनल टर्म्स भी बोलते हैं। 8 तरीके की हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आती हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। ये एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। ये 4 तरह की होती हैं। मैंने एनाटॉमिकल को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया है। उसके बाद आती हैं बॉडी कैविटीज़, ये भी इसी का एक पार्ट है। मतलब जो आपकी कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स हैं वो 3 तरीके के, डायरेक्शनल टर्म्स जिनको हम एनाटॉमिकल पोजीशंस भी बोलते हैं,
फिर प्लेन्स, जिनको हम एनाटॉमिकल प्लेन्स भी बोलते हैं, और बॉडी कैविटीज, ये इसका तीसरा पार्ट है। अब बॉडी कैविटीज जो हैं, इस ये क्या हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जिसको हम विसराज भी बोलते हैं, जो हमारे मतलब ऑर्गन्स हैं, जितने जो हमारा खाना पचा रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, हार्ट वगैरह, वो सारा इस इन कैविटीज़ के अंदर आता है। तो ये भी दो तरीके में डिवाइड हैं, दो तरीके की कैविटीज़ हैं, इसमें भी दो तरीके की कैविटीज़ हैं, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशंस को पढ़ेंगे कि कौन सी पोजीशन कहाँ है। पोजीशन होगी जैसे कोई टॉपर है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, कोई मीडियोकर है वो मिडिल पोजीशन पे है, कोई फेलियर है वो लोअर पोजीशन पे है, कोई फ्रंट पोजीशन पे है तो कोई बैक पोजीशन पे है। इस तरीके से पोजीशंस रहती हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि पोजीशंस कैसे रहती हैं। सबसे पहले का हम पकड़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशंस को। ये आठ तरीके की हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके उन सबको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। पहली है इंटीरियर, ये है इंटीरियर पोजीशन, इसको हम इंटीरियर पोजीशन के साथ साथ वेंट्रल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीरियर, उसके बाद है पोस्टीरियर, ये दूसरी पोजीशन आ गई पोस्टीरियर पोजीशन। पोस्टीरियर को हम डॉर्सल पोजीशन भी बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। फिर तीसरी पोजीशन है सुपीरियर पोजीशन, जिसको हम क्रेनियल पोजीशन भी बोलते हैं। क्रेनियल पोजीशन, सुपीरियर के बाद क्या आता है इंफीरियर, उसको हम क्या बोलते हैं कॉडल पोजीशन। ठीक है, समझ रहे हैं, मैं इनको पूरा आपको आस्ता आस्ता एक्सप्लेन भी करूं। उसके बाद आता है मीडियल, मीडियल और लेटरल, ये दो पोजीशन आती हैं। अब मीडियल क्या होता है, अगर हम बॉडी में एक मिड लाइन ड्रॉ करें, मतलब हम सिर से लेके पांव तक एक मिड लाइन ड्रॉ करें, तो जो चीज़ें, जो हिस्से बॉडी के जो मिड लाइन की तरफ होंगे, उनको हम मीडियल पोजीशन पे बोलेंगे, ठीक है। और लेटरल आगे जो उनसे दूर की तरफ होंगे, उनको हम लेटरल बोलेंगे। जैसे अगर हम एक मिड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारा जो एब्डोमेन है वो मिड की तरफ है, और जो हमारा हैंड है वो लेटरल है, इस तरीके से। लेटरल। अब इसके अलावा दो और पोजीशंस हैं, वो इनसे मिलती जुलती ही हैं, मीडियल और लेटरल की तरह ही हैं, बस आपको थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा। उनको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या होता है, जैसे जो आपने मिड लाइन ड्रॉ की है, एक तो वो आ गया जो आपके ऑर्गन्स मिड लाइन की तरफ हैं, और दूसरा आ गया लेटरल जो उससे दूर है। अब हम एग्जांपल लेते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो अब ये थंब है और ये लिटिल फिंगर है, तो जो थंब है ये प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल मींस विच इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द मीडियल पोजीशन, ये मेरे मीडियल की तरफ है, तो ये मेरा प्रॉक्सिमल हो गया, और ये अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट है, तो ये मेरा डिस्टल हो गया। ऐसे अगर आप मीडियल और लेटरल का देखें, तो वो बड़ा सिंपल सा है। मीडियल आगे अगर आप कोई मिड लाइन ड्रॉ करते हैं,
वो उसके क्लोज में जो है। अब जो मेरा हाथ है ये ऐसे लेटरली है, मेरा हाथ क्योंकि मिड लाइन से दूर है तो ये लेटरल है, लेकिन मेरे हाथ में भी दो पोजीशंस हैं, एक पोजीशन जो है वो जो बॉडी की तरफ है और एक पोजीशन जो बॉडी की बॉडी से दूर जा रही है। जो पोजीशन बॉडी की तरफ है, जैसे ये पोजीशन है, ये बॉडी की तरफ है, ठीक है, तो इसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, प्रॉक्सिमल पोजीशन, और जो बॉडी से दूर है इसको हम डिस्टल पोजीशन बोलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये आ गया आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब हम वापस उस स्लाइड पे जाते हैं, पहली वाली पे। ये आ गया टू वर्ड्स, मिड लाइन, away from midline, proximal आ गया towards body and away from body is distal. मेरे हिसाब से आपको ये समझ जाना चाहिए, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। अब प्लेन्स क्या हैं? जैसे हम बॉडी को अगर डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, मान लीजिए ये आ गई आपकी एनाटॉमिकल प्लेन्स, ये चार टाइप की हैं। पहली जी आपकी आ गई, मैं आपको थोड़ा इजी करके समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे ये शीट है, अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे सामने करके रखता हूँ तो मेरी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको हम मीडियन प्लेन बोलते हैं, जो बॉडी को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करे उसको हम मीडियन प्लेन बोलते हैं। इसको हम मीडियन प्लेन के अलावा सेजाइटल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। पहली है मीडियन प्लेन, इसको हम सजाइटल प्लेन भी बोलते हैं। सजाइटल प्लेन क्या हो गया? जो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करे, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड्स बॉडी into right and left side, okay? वो आ गया आपका मीडियन प्लेन या सजाइटल प्लेन। दूसरा आता है फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन क्या होता है? जो आपकी बॉडी को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइड करता है। अब ये कैसे होगा? अगर हम साइड से बॉडी को काटें इस तरीके से, जैसे अगर ये मेरी बॉडी है, अगर आप साइड से देखें तो ये इसका इंटीरियर पोर्शन आ गया और ये सिर वाला पोजीशन पोस्टीरियर आ गया। तो अगर हम बॉडी को इस तरीके से काटेंगे तो वो बॉडी दो हिस्सों में बन जाएगी, इंटीरियर पोजीशन और पोस्टीरियर पोजीशन। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को और कॉर्नल प्लेन भी बोला गया है, ठीक है। दूसरा आ गया फ्रंटल
प्लेन, फ्रंटल प्लेन को और क्या बोलते हैं, कॉरोनल प्लेन। ये डिवाइड करता है बॉडी को इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। गॉट इट? जो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, सभी दो हिस्सों में करेंगे, एक राइट लेफ्ट में करेगा, एक आगे पीछे में करेगा, ठीक है। जो राइट लेफ्ट में करेगा उसको मीडियल प्लेन या सजाइटल प्लेन बोलेंगे, जो इंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे में करेगा उसको हम फ्रंटल प्लेन या कॉर्नल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आता है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ट्रांसवर्स हो गया जो आपकी बॉडी को सेंटर सेंटर में से काट देगा, उससे आपकी बॉडी दो हिस्सों में बंट जाएगी, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं सुपीरियर और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं इन्फीरियर। अब मैं आपको दोनों पोजीशंस और प्लेन को आस्ता आस्ता आप समझाने की कोशिश करूंगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी उनके साथ ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले हम तीसरा प्लेन पढ़ लेते हैं। तीसरे प्लेन का नाम है ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल समझते हैं, कोई जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है इस तरीके से जो होता है उसे हॉरिजॉन्टली कहा जाता है। तो जब हम बॉडी को इस तरीके से काटेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली मतलब जैसे ये इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से बॉडी को काटेंगे तो वो दो हिस्सों में बन जाएगा। दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये डिवाइड करता है बॉडी को दो हिस्सों में, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। गेटिंग इट? बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। फिर चौथी प्लेन है, उसको हम ओब्लिक प्लेन बोलते हैं। ओब्लिक मतलब किसी भी एंगल पे, कोई टेढ़ा एंगल, इस तरीके से ऐसे, जो मतलब इन प्लेन्स के अलावा कोई भी एंगल किसी भी और तरीके से अगर हम बॉडी को काटेंगे तो उसे ओब्लिक प्लेन कहा जाता है, ठीक है। ओब्लिक प्लेन वो क्या होता है, एनी ओब्लिक कट। मतलब आपका मीडियन प्लेन सीधा कट, सीधे कट से कट के अलावा, फ्रंटल प्लेन मतलब जो साइड से कटेगा वो, और ट्रांसवर्स प्लेन जो हॉरिजॉन्टली कटेगा। इन तीनों प्लेन्स के अलावा अगर कहीं भी किसी भी तरीके से और कटेगा तो उसे ओब्लिक प्लेन कहा जाता है, ठीक है। अभी इस चीज़ को समझें। अब मैं आपको बॉडी कैविटीज़ पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इनको सभी को कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा। फिर आ गया आपका बॉडी कैविटीज। कैविटी का मतलब समझते हैं, जैसे दांत खराब हो जाते हैं तो उसमें कैविटी बन जाती है, मतलब खड्डा हो जाता है, दैट इज नोन एज कैविटी। कैविटी इज अ होलो स्पेस, खाली जगह को हम कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो इन कैविटीज में क्या रहता है? अब जैसे हमारा शरीर है ये पूरा एक खाली है, अगर हमारा जैसे ढांचा निकालें तो अंदर पूरे ऑर्गन्स भर रहे हैं, ऑर्गन्स जिनको हम विसराज भी कहते हैं, जिनमें ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये दो तरीके की रहती हैं, वेंट्रल कैविटी और डॉर्सल कैविटी। इससे पहले आपने अभी वेंट्रल और डॉर्सल पढ़ा है ना। वेंट्रल किसको कहते हैं हम, जो इंटीरियरली रहते हैं, है ना। पीछे में जैसे मैं आपको अभी बताऊं, इंटीरियर वेंट्रल पोस्टीरियर डॉर्सल, जो इंटीरियरली है
उसको हम वेंट्रल बोलते हैं, और जो पोस्टीरियरली है उसको हम डोर्सल बोलते हैं। ठीक है, कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं इस तरीके से है। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, कोई बहुत अलग नहीं है, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। बॉडी कैविटीज, इसमें दो कैविटीज रहते हैं, एक वेंट्रल कैविटी रहती है जो इंटीरियरली है, और एक डोर्सल कैविटी रहती है। ठीक है, एंड डोर्सल कैविटी। वेंट्रल इज ऑल्सो नोन एज इंटीरियर। अभी आपने पीछे पढ़ा, वेंट्रल इज इंटीरियर, वेयर एज डॉर्सल इज पोस्टीरियर, जो बैक साइड पे रहेंगी, है ना। अब इन चीजों को अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ लग पाएगा, और भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि हर चीज को अलग अलग करेंगे तो वो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा। अगर आप उसको जोड़ के कोरिलेट करके आपस में बिठा के पढ़ेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म पे याद रहेगा, हो सकता है आपको पूरी ज़िंदगी याद रहे भूले बिना, लेकिन वही है, उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा आपस में जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, वेंट्रल कैविटी में भी दो तरीके की होती हैं कैविटीज़, एक होती हैं थोरेसिक और एक एब्डोमिनो पेल्विक। थोरेसिक होगी जो हमारी चेस्ट में होती है, और एब्डोमिनो पेल्विक होगी जो हमारा एब्डोमिन और पेल्विक रीजन है। ठीक है, इसमें दो आ गई, थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक। ठीक है, एब्डोमिनो पेल्विक में भी दो हैं, एक एब्डोमिन में जो है और एक पेल्विक रीजन में, वो जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको वो भी बता देंगे। अच्छा, थोरेसिक क्या होगी, जैसे आप सभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा, हमारी बॉडी में एक डायफ्राम होता है, ठीक है ना, जो रिब्स के बिल्कुल नीचे होता है, जो एब्डोमिन और थोरेसिक कैविटी को डिफरेंशिएट करता है। तो थोरेसिक में जो डायफ्राम से ऊपर ऊपर हैं उनको हम थोरेसिक ऑर्गन्स या थोरेसिक विसराज बोलते हैं। उनमें क्या क्या आता है, आपका हार्ट हो गया, हार्ट आ गया, आपके लंग्स आ गए, ठीक है, आपकी ट्रकिया आ गया, इसोफेगस आ गया, आपकी फूड की नाली जिसको हम बोलते हैं, और उसमें लार्ज ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहती हैं, जैसे जो हार्ट को आपकी सप्लाई दे रही हैं, वो सब थोरेसिक में आता है। तो थोरेसिक में क्या क्या आ गया आपका, थोरेसिक में आ गया जी आपका हार्ट आ गया, लंग्स आ गए, ठीक है, ईसोफेगस आ गया, ट्रैकिया आ गया, सांस वाली पाइप, ईसोफेगस खाने वाली पाइप, और ट्रैकिया सांस लेने वाली पाइप, और उसके अलावा ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जो बड़ी वाली ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं जो हार्ट को ब्लड लेके आती हैं और जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया एब्डोमिनो पेल्विक। एब्डोमिनो पेल्विक में आपके जी दो आ गए, एक आ गया एब्डोमिन में और दूसरा आ गया पेल्विक रीजन। ठीक है, एब्डोमिन में आपका जी क्या क्या आता है, आपके पेट में क्या क्या पड़ा हुआ है जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, किडनीज हैं, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। तो तीन चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या हैं, इंटेस्टाइन्स, किडनीज एंड तीसरा क्या आ गया उसमें, एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है,
उसके बाद आ गया आपका जी पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन क्या हो गया, जो एब्डोमिन से थोड़ा सा नीचे है, जहाँ पे हमारा जेनिटल पोर्शन रहता है, यूरोजेनिटल सिस्टम, जहाँ से हमारा आउटलेट है, चाहे पेशाब हो चाहे लैट्रिन हो, जो दोनों वो हैं वो आपके पेल्विक रीजन में रहते हैं, यूरोजेनिटल सिस्टम एंड रेक्टम। ठीक है, एक ये यूरोजेनिटल सिस्टम एंटीरियरली हो गया और रेक्टम पोस्टीरियरली हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जी पढ़ेंगे डॉर्सल कैविटी, ये लास्ट चीज़ है जो हमने आज पढ़नी है, डॉर्सल कैविटी। ये वेंट्रल आ गया इंटीरियरली, जो हमारा आगे आगे वाला है, डॉर्सल कैविटी आ गई पीछे की कैविटी, ये आपका छोटा, ये डॉर्सल वेंट्रल कैविटी जो है वो बड़ी कैविटी होती है क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है, डॉर्सल कैविटी छोटी कैविटी होती है। तो डॉर्सल कैविटी में दो हिस्से होते हैं, एक क्रेनियल कैविटी और दूसरी होती है जी वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है, क्रेनियल कैविटी जिसमें आपका आ जाता है जी ब्रेन, और दूसरी होती है वर्टिब्रल कैविटी। वर्टिब्रल कैविटी में आपका आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे मैं आपको एक जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर आ गया आगे, तो आगे में हमारे अब आगे कैसे डिवाइड होगा, जब हम फ्रंटल प्लेन बनाएंगे तो हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर बनेगा। ठीक है, प्लेन के साथ जब हम प्लेन बनाएंगे तो हमारी पोजीशन भी उसी से डिसाइड होगी, जब हमने एक प्लेन खींचा साइड से तो हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसको हम वेंट्रल और डॉर्सल बोलते हैं, और इसी में हमारी कैविटीज़ भी आ जाती हैं, वेंट्रल कैविटी और डॉर्सल कैविटी। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम इसको ट्रांसवर्स डिवाइड करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली जब हम काटते हैं, तो इसमें दो चीज़ें बन जाती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। जब हम इसको मीडियली काट रहे हैं, सॉरी फ्रंटली काट, फ्रंटल प्लेन पे काट रहे हैं, तो हमारी दो चीज़ें बनेंगी, इंटीरियर और पोस्टीरियर, वेंट्रल और डॉर्सल। जब हम इसको ट्रांसवर्सली काट रहे हैं तो इसको हमें बन जाएगा दो चीज़ें, सुपीरियर और इन्फीरियर। जब हम इसको सेंटर सेंटर से काटेंगे तो दो चीज़ें, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर जो हमारे वेस्ट से ऊपर ऊपर है वो सुपीरियर है, जो वेस्ट से नीचे नीचे है वो इन्फीरियर है। इसी तरीके से आप बॉडी पार्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे हमारा हेयर हेड जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, अब फोर हेड जो फोर हेड है वो सुपीरियर भी है और इंटीरियर भी है, ये दोनों चीज़ें हैं, है ना, मतलब फोर हेड जो है, जैसे नाक है वो सुपीरियर भी है और इंटीरियर भी है, लेकिन जैसे अब फोर हेड और नोज़ में है, तो जो फोर हेड वो ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू नोज़, तो नोज़ जो है वो आपका क्या आ जाएगा, कॉडल, इन्फीरियर टू दैट ऑफ फोर हेड। तो इस तरीके से चीज़ों को कोरिलेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बाकी ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस चीज़ों को कोरिलेट कीजिए और श्योरली आप इसको आराम से समझ पाएंगे, इसमें कोई भूलने वाला कुछ नहीं है, एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है, अभी जो दिया है JKSSB ने, दो महीने कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हाँ अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे तो आई थिंक इट्स अ सफिशेंट टाइम, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको, उन चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। आगे आगे की वीडियोज़ में हम आपको MCQs भी देंगे, आपको बताएंगे कि चीज़ें कैसे होंगी, किस तरीके से आपने उनको करना है, तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर बेस्ट। ओके, थैंक यू, गुड लक।